अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, मोदी जी वाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गवार शो और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका मुंशी जी। कहा चाहते हो छोड़ दें, हाँ ना करें, खोपड़ा फोड़ देंगे अगली बार। तो दोस्तों, सरकार ने भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। आ तुझे चांद पे ले चलो, चांद को उसकी औकात दिखाने, ओ मेरी महबूबा। अब ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उस लिस्ट में टिकटॉक का नाम भी शामिल है और टिकटॉक पर ही सबसे ज्यादा हल्ला कटा है, तो इसलिए आज हम बात भी टिकटॉक पर करेंगे। तो मैं टिकटॉक के बारे में सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि टिकटॉक पर खुलेआम रेसिज्म प्रमोट होता है, खुलेआम फेयरनेस प्रमोट होता है। इस तरह से जैसे मेरे जैसा आदमी है, ब्राउन स्किन है उसकी, ऐसे करता है और बंदा गोरा हो गया भाई, सपाट चट पेंट हो गया बिल्कुल। तो इनको शायद ये बात पता नहीं है कि ये कानूनन जुर्म है और इस पर 5 लाख का जुर्माना भी इन्हें भरना पड़ सकता है। लेकिन जब प्राइमरी अवेयरनेस से पहले 4G कनेक्शन हाथ में आ जाता है ना, तो ऐसी चीजें होती। यहाँ पर न्यूडिटी कंटेंट खुलेआम प्रमोट होता है, प्यार के नाम पे कुछ भी टॉक्सिक चीजें प्रमोट हो रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक टिकटॉकर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने एसिड अटैक को प्रमोट किया था। तो यहाँ पे कुछ भी प्रमोट हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, कोई इसको ढंग से मॉनिटर करने वाला नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भाई सारी दिक्कत भारत को ही है क्या, सब कुछ भारत में ही होता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, ताइवान और जर्मनी ने भी अपने यहाँ पे कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन किया। US और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री में टिकटॉक बैन है और US में तो हुआवे मोबाइल कंपनी भी बैन है। और अभी सुनने में हाल ही में आया है कि US में चाइनीज ऐप्स को बैन करने पर विचार चल रहा है। तो यार, ये लोग इसलिए नहीं बैन कर रहे क्योंकि ये चाइनीज हैं, इन चीज़ों को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। 2018 से ही टिकटॉक पर प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं क्योंकि टिकटॉक आपके फ़ोन का प्राइवेट डाटा बिना आपकी परमिशन के गोल कर देता है। अब आप बोलेंगे यार, ये तो इंस्टाग्राम भी करता है, फेसबुक भी करता है, गूगल भी करता है, सब डाटा लेते हैं हमारा प्राइवेट, तो चाइनीज़ ऐप्स को क्यों बैन करते हो खाली? बताता हूँ, 2017 में चाइना में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम था चाइना नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। इस लॉ के मुताबिक वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजन्स को वहाँ की इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट करना होगा। आसान भाषा में इंटरप्रिटेशन बताऊँ तो, अगर कल को किसी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनका डाटा मांगा तो वो ये नहीं कह सकते कि अरे प्राइवेट है भाई, नहीं बताएंगे, उन्हें देना ही पड़ेगा। तो मौके की नज़ाकत को समझ पा रहे हो दोस्त, अगर चाइना उन पर साइबर अटैक करना चाहे तो इससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। द डच डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और द यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी टिकटॉक पर प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैटर सीरियस है गुरु। तो अब बात करते हैं उनकी, जो अब टिकटॉक पर एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके थे, मिलियंस में फॉलोअर थे, अच्छे खासे व्यू आते थे, सब कुछ होता था, तो अब उनकी करियर का क्या? तो देखो यार, अगर तुम क्रिंज कंटेंट और वाहियात चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे, अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई टैलेंट था तो तुम अपना प्लेटफॉर्म स्विच कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आ सकते हो, क्योंकि यार तुम जो भी करते थे वो यहाँ पे अच्छे से मौजूद है। अगर आप स्केचिंग करते थे तो यहाँ पे आप स्केचिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है स्केचिंग की। आप रेसिपीज़ दिखाते तो रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। डांस करते थे तो बहुत ज़्यादा है ही वहाँ पे डिमांड, आपने सब देखा, डांस की वीडियो भरी पड़ी रहती है। तो यार, टैलेंटेड लोगों के लिए प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां।